अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि जब हम अपना यूट्यूब का थंबनेल बना रहे होते हैं, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो उसके अंदर जो हम तस्वीर यूज़ करते हैं, पिक्चर यूज़ करते हैं, उनका ना तो कोई ख़ास मतलब HD होती है, ना ही वो हाई क्वालिटी की होती है। लो, हमने मोबाइल से सिर्फ पिक ली होती हैं। देखिए, मैंने ये जो पिक्चर है, मैं आपको यहाँ पर फिर दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर है ना, ये मैंने मोबाइल से ली है, ठीक है, अपने जो अभी मेरे पास मोबाइल है उससे ली है, और उससे ली है, और इसको मैंने सिर्फ एक क्लिक के अंदर देखें इससे ये फ़ोटो जनरेट की है, ठीक है, इसी फ़ोटो से, और इसी फ़ोटो से मैंने ये फ़ोटो जनरेट की है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, अपनी फ़ोटो को अपलोड किया है। अपलोड करते ही ऑटोमेटिक AI ने अपना काम कर दिया है। आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो की जान चलते हैं। उस AI का लिंक आपको मैं दूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में दूंगा, क्योंकि उसकी सबसे जो बड़ी ट्रिक है वो वीडियो के एंड में है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जान। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रूफ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए। यहाँ पर ज़रा आप अगर देखें तो ये पिक्चर है जनाब, ये मैंने सारी की सारी एक पिक्चर जो है वो की है AI से एडिटिंग, ठीक है। आप ये पिक्चर देखें, ये देखें, और अच्छा इसकी आप क्वालिटी ज़रा चेक करें कि कितनी हाई क्वालिटी की। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने एक नॉर्मल मोबाइल के कैमरे से इसको शूट किया है, और शूट करने के बाद मैंने इसे इधर AI के अंदर अपलोड किया है, और आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी की इमेज है, ठीक है। आप इसे थंबनेल के अंदर यूज़ करें तो मेरे ख्याल से थंबनेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यूट्यूब की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर आप प्रूफ ज़रा चेक कर लें कि ये उसने ऑटोमेटिक बैकग्राउंड भी लगाया है, ऑटोमेटिक उसने मेरी कलर ग्रेडेशन टोटल की है, और सेटअप भी उसने सारा ऑटोमेटिक किया है AI ने। आप ज़रा क्वालिटी चेक करें, बाकी छोड़ें, ठीक है। आगे आप इसको देखें, ये टोटल का टोटल AI ने आप खुद से तैयार किया, बल्कि मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया, मैंने सिर्फ एक क्लिक किया इसके ऊपर, और ये चेक करें ज़रा, ठीक है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर लें, देखें ये AI जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है इसमें, ये चेक कर लें, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूफ सिर्फ इसलिए दिखाए हैं कि आपको एतबार आ जाए कि एक ही फ़ोटो के इतने मैंने क्लोन बनाए हैं, और किस तरह के बनाए। मेरी फ़ोटो इतनी मतलब हाई क्वालिटी नहीं थी जितनी फ़िलहाल AI ने मुझे बना के दी है, ये आप चेक करें ज़रा, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से फ़ोटो एडिटिंग हम आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, अगर तो इस तरह की फ़ोटो बनाने में आपको पता होगा कि कितना टाइम लगता है फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी सारी पिक्चर यहाँ से बनवाएं, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास एक नॉर्मल मोबाइल है, वो अपने मोबाइल से अपने थंबनेल के लिए फ़ोटो बनाते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल के अंदर फ़ोटो खींचते हैं, और खींचने के बाद वो उसको अपने थंबनेल के अंदर यूज़ करते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए इंतहाई अहम है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जान। वीडियो की जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जनाब लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में खड़ी बेल आइकन को लाजमी हाल पर प्रेस करें। तो जी जनाब, हम अपनी आ चुके हैं वेबसाइट पर। इसका नाम, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर इसका नाम देख भी सकते हैं, ठीक है। नाम को खैर छोड़े, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आपका भी टाइम बहुत कीमती है। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप कमेंट करेंगे तो आपको लिंक शो हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप बाद में मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से समझ नहीं आया। तो देखें, मैं डिस्क्लेमर एक पहले दे दूं, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में आपने यूज़ करना है। किस तरह से करना है, पेड है, फ्री में यूज़ करना है, किस तरह से करना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मोबाइल के अंदर है तो मोबाइल के अंदर आप इसी लिंक को ओपन करेंगे, और क्रोम के अंदर और ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप का, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करना है मोबाइल वालों ने, और इस तरह की स्क्रीन उनके सामने भी आ जाएगी। तो आप उनको सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पिक्चर मैंने डाली, और इस पिक्चर से AI ने मुझे ये पिक्चर सारी जो है वो जनरेट करके दे दी है, ठीक है। आप ज़रा क्वालिटी चेक करें, बाकी छोड़ें, ये सारी की सारी पिक्चर मैंने इसी से जनरेट की है। आपने ये बिल्कुल फ्री के अंदर यूज़ करना है, देखें ये प्रीमियम है, ठीक है। किस तरह फ्री के अंदर यूज़ करना है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी उसी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, क्योंकि मैंने फिलहाल अकाउंट बना लिया है, तो मैं इसे कर देता हूँ साइन आउट, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आएगा। अब आपने क्या करना है, देखें आपने एक एक्सटेंशन है, इसको टेम्प मेल कहते हैं, आपने इसको करना है। मैं ज़रा आपको दिखा भी देता हूँ। आपने चले जाना है, अगर आप मोबाइल के अंदर हैं तो आप
गूगल क्रोम पर ही लिखेंगे टेम्प मेल, आप प्ले स्टोर से भी इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, वहां पर आपने लिखना है टेम्प मेल। अगर आप लैपटॉप पीसी के अंदर है आपने साइड बार 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने, नीचे आना है मोर टूल के अंदर, यहाँ पर एक्सटेंशन पर आपने चले जाना है। ठीक है, आपने करना है इसको बिल्कुल फ्री के अंदर यूज, इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर जो 3 लाइन इनके ऊपर क्लिक करने और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन क्रोम वेब स्टोर वाला, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सर्च करना है टेम्प मेल, ठीक है। जैसे ही आप टेम्प सर्च करेंगे आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा, मैंने सर्च किया, मुझे शायद इसीलिए ये मिल रहे हैं सारे, लेकिन आपने टेम्प सर्च करने क्लिक करने के बाद आगे आपने टाइप करना है मेल। जैसे ही आप मेल सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा करें कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी टेम्प मेल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, टेम्प मेल, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकें, ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये मिल रहा है यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा तो ऐड है, पहले आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर अभी रिमूव का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। और इसको ऐड करने के बाद जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, मैं आपको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ये आइकन, इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेम्प मेल यहाँ पर आ जाएगा, आपने यहाँ से जाकर ये जो डंडा सा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, और आपका टेम्प मेल यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमारा टेम्प मेल भी शो हो गया, हमने आ जाना है वापस अपने टैब के अंदर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने गूगल के साथ इसको कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ईमेल इधर थी तो मैंने पहले यूज़ कर ली। 20 क्रेडिट मिलते हैं एक मेल पर, आप 20 इमेज बना सकते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने टेम्प मेल का इस्तेमाल करना है। अपनी ओरिजिनल मेल का करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो ना सही। आपने क्या करना है, टेम्प मेल के ऊपर क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिक एक मेल मिल जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर पासवर्ड अपना जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं करें, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर दें, मैंने कर दिया, बल्कि आपने मेरा तो पहले साइन अप करना है, ठीक है, साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा ये पासवर्ड लग चुका है, मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, मैं सेव कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर मुझे 20 क्रेडिट दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर आप देखें, मैं अब आपके सामने यहाँ पर पिक्चर आपको बनाकर दिखाऊंगा और आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि ये वाकई ही इस तरह काम करता है जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो चले मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो ड्रैग करके दिखाता हूँ। जी हाँ जनाब, मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर अपनी आपके सामने रख दी है। देखें मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी पिक्चर का यूज करूँ जो बिल्कुल लो क्वालिटी की हो, ताकि आपको यकीन आ सके कि यह वाकई काम करता है, ठीक है। अब मैंने ये जो दूसरी पहले यूज़ की थी, अब मैं दूसरी पिक्चर जो है ये यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सिंपल इसको मैंने क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने जनाब इस तरह का लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने देखें 4 क्रेडिट जो है ऊपर से वो कट चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना ऊपर, थोड़ा सा इसको सॉरी मैं क्लोज करता हूँ और ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर अगर आप ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कि 4 क्रेडिट जो है वो कट चुके हैं, ठीक है। एक ही साथ के अंदर ये आपको 4 पिक्चर बनाकर देगा। देखें इसमें थोड़ी सी झोल होती है, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ क्लियर तरीके से। अभी 2 पिक्चर शो हो चुकी हैं, तीसरी भी होगी और चौथी भी हो गई। देखें पिक्चर की क्वालिटी ज़रा चेक करें। अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा इसने खुद जो मेरे हैंड है बनाने की कोशिश की, आप यहाँ पर देखें तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से आपको जो पसंद आई पिक्चर फर्स किया, मुझे ये पसंद आई, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पहले आप इसे डाउनलोड करके रख लें, मेरी ये डाउनलोड ऊपर होगी, मैं आपको बाद में बताता हूँ आपने इसे क्या करना है, ठीक है। पहले तो मैं इस पिक्चर को यहाँ पर सेट करूँगा, इसे थोड़ा सा मैं जूम करूँगा ताकि अच्छे तरीके से ये यहाँ पर सेट हो सके। जैसे यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी इस तरह अपनी पिक्चर जहाँ पर जैसा चाहे सेट करना चाहे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेट कर ली और यहाँ पर क्या करना है मैंने कि इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो नीचे मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एरो का जो नीचे की जानब है। तो जब आप इसको इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ से देख लेना है कि आपको किस तरह की इमेज बनानी है। फर्ज किया कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरी जो है वो मिलती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं करता जाऊँ तो
मिलती जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने चूज कर लेनी है कौन सी कैटेगरी आपको चाहिए। तो मुझे फिलहाल कैटेगरी चाहिए जनाब कुछ डिफरेंट जो कि अच्छी भी हो इस तरह की, ठीक है, फ्रेस्ट जैसी। तो मैंने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखो मैंने फॉरेस्ट सिलेक्ट किया, करने के बाद सिंपल जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने अपनी इमेज को पहले सेट किया, सेट करने के बाद फॉरेस्ट के ऊपर क्लिक किया और मैंने दोबारा रीजनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही रीजनरेट के ऊपर क्लिक किया मेरे ऊपर से, अब क्रेडिट जरा चेक करें, पहले 16 थे, ठीक है, अब 12 है। यहाँ पर देखें क्रेडिट हर 4 इमेज के तकरीबन 4 क्रेडिट जो है वो कट जाएंगे। जी हाँ जनाब, हमारे सामने क्या बात है यार, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी इमेज, इस तरह की इमेज बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह मैं आपको जरा एक चीज यहाँ पर चेक करवाता हूँ। मेरे ख्याल से इस तरह मुझे अगर इमेज बनानी हो ना, तो इस तरह कलर ग्रेडेशन करते हुए कम से कम मैं आपको अगर कहूँ कि कम से कम मुझे एक दिन तो लग ही जाएगा, ठीक है। वाजिया बात है, फोटोशॉप का एक्सपर्ट होने के नाते ये बात कर रहा हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। HD भी कर सकते हैं, SD भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप जैसा चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी इसे यहाँ से अभी डाउनलोड कर सकता हूँ। हाँ, इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे सेव का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं फर्ज किया जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आएँ और इंटर कर दें और आपका जनाब ये जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी सेव इसको कर सकते हैं, ठीक है जनाब। मैं क्या करता हूँ इसको जनाब डाउनलोड कर लेता हूँ चारों को। यार इतनी कमाल की पिक्चर कौन ही डाउनलोड करेगा, ठीक है। अभी ये देखें ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जनाब के हमारे पास क्रेडिट और भी बहुत सारे हैं। देखें मैं क्रेडिट आपके सामने इनको भी यूज़ करूँगा अभी ताकि आपको दिखा सकूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी, उसकी वजह ये है कि हम जो काम कर रहे हैं इस काम का जो तरीका है ना वो यही है। तो देखें इसमें ये होता है कि मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो वाजे ही लंबा हो गया वीडियो थोड़ा सा। देखें यहाँ पर आपने क्या करना है कि फॉरेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब मुझे चाहिए फर्ज किया कि कोई और, जैसा कि मुझे चाहिए स्नो, तो मैं स्नो पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं एक ही फ़ोटो के इतने वेरियंट इसीलिए आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि आप में से किसी को ये जहन में ना आए कि यार ये एक इसने शायद फ़ोटो एडिटिंग खुद से की है, मतलब फोटोशॉप के अंदर की है। ये इसीलिए मैं आपको वेरिएंट बनाकर दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास टोटल क्रेडिट बचे हैं जनाब 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मेरी तकरीबन पिक्चर यहाँ पर बन चुकी हैं 8 से 10 पिक्चर, ठीक है। ये लें स्नो मैंने टाइप किया, तो आप देख लें कि कितनी ज़बरदस्त पिक्चर इसने यहाँ से हमें बनाकर दे दी है, वो सिर्फ एक क्लिक के अंदर। मेरे ख्याल से इस तरह की जो पिक्चर है आम बंदा बनाने लग जाए तो मोबाइल से नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक करते जाना है, SD, ठीक है। अगर आप SD करना चाहें, यहाँ पर ज़रा क्वालिटी इसकी चेक करें आप, क्या बात है। तो जिस तरह आप सेव करना चाहते हैं आप कर लें। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, फर्ज किया कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं इधर, फ्लावर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि हमें कौन सी सिलेक्ट करनी, ये आप पर डिपेंड होता है कि आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अभी कोई अच्छी सी ढूंढते हैं, जिस तरह के, हाँ ये वाली, ठीक है, मून, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट, देखिए इसमें आप एक पिक्चर डाल सकते हैं, मसला ये है। देखें जिस तरह मैंने एक पिक्चर अपलोड की, इस तरह आप इससे अलावा अगर अपलोड करनी, तो इस आपने ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से इमेज आपने सेलेक्ट करनी, करने के बाद सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। सेट करने के बाद आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखें हमारे पास जो क्रेडिट अभी इस वक्त बचे हैं वो हैं तकरीबन 4 क्रेडिट, वो भी अभी यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगा आखिरी ट्रिक जो आपने यूज़ करनी है अपने थंबनेल बनाने के लिए। यकीन जानो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि वाकई ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देखें कितनी कमाल की इसने इमेज बना के हमें दी है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि ये मुझे पसंद नहीं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई और सेलेक्ट करूँगा, जैसा कि ये कोई ख़ास नहीं थी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही जनरेट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने ये 4 ऑप्शन जो पिक्चर है वो बना के रख देगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे AI ने हमें पिक्चर्स बना कर दी हैं। अब आखिरी ट्रिक की बात करूँ तो आपने जनाब आ जाना है, अगर आप मोबाइल के अंदर हैं तो आप पिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल लैब इस्तेमाल कर सकते हैं या पिक्सा बे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है कि
फोटो क्रॉप, ठीक है, AI फोटो क्रॉप। जब आप ये टैप करें, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से भी जाकर आप इसको यूज कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे photoaid.com के ऊपर, तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। आपने वो फोटो यहाँ पर डालनी है जो हमने अभी बनाई थी इससे, ठीक है। मैं यहाँ से डाउनलोड के अंदर जाने के बाद कोई भी एक उठा लेता हूँ, यहाँ पर उठाने के बाद ओपन क्लिक करता हूँ, तो ये जना मेरी पिक्चर आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इतना सा रखूँ और बाकी जो है वो छोड़ दूँ, ठीक है, या इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, मतलब मैं चाहता हूँ कि इतना सा, ठीक है। करने के बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। लें जनाब, जो आपकी पिक्चर है वो क्रॉप होकर डाउनलोड भी होगी हाई क्वालिटी के अंदर। इससे मेरे ख्याल से कोई बेहतर तरीके से YouTube पर तो नहीं समझा सकता, और अगर हाँ पर्सनली आप किसी से जाकर समझना चाहें तो वो समझा सकता है आपको। और अभी तक भी अगर आपने DC कैबी को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल नहीं है जनाब, ये आपका अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो साथ ही में लाइक भी कर दें। और इसका लिंक दोनों वेबसाइट का आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा। जैसे ही आप कमेंट करेंगे, अपना सवाल भी दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, ताकि आपको ग्रो होने में मदद हो सके आपकी।